पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुबह स्वागत करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल अनन्या वर्मा ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज है 10 फरवरी और आज भी कर्फ्यू ही लगा है धारा 144। तो आज भी बाज़ार वगैरह, बैंक, स्कूल, कॉलेज सब बाज़ार बंद हैं। तो बाज़ार बंद होने के साथ साथ आज इंटरनेट भी बंद कर रखा है। तो अभी तक तो लाइट भी नहीं थी, कल शाम रात से जब से लाइट गई होगी तो अभी आ रखी है लाइट भी। तो अभी बज गए हैं 2:15 और लाइट भी अभी आई है, शायद 2 या 2:15 बजे। तो क्या कहते हैं, और ज़्यादा मतलब तो नेट वगैरह कुछ है नहीं, तो मैंने अपने ब्लॉग भी अपलोड पे लगा रखे थे कल से, लेकिन कुछ तो अपलोड हुआ ही नहीं क्योंकि कहाँ से होता, क्योंकि इंटरनेट तो बंद है। तो पता नहीं कब तक खुलेगा, आज कल पता नहीं, और कब तक ये सारा रहेगा ऐसा कर्फ्यू वगैरह, तो देखते हैं। तो अभी हम आए हैं छत पे क्योंकि नीचे भी दुकान बंद कर रखी है, तो धूप भी अच्छे से आ रही है, तो अभी धूप में ही बैठते हैं और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। यहाँ पे दादू बैठे हैं क्योंकि उधर पहले धूप में बैठे थे, उनको लग गई धूप, तो अभी दादू छाए में बैठे हैं और दादू अनन्या दादू के साथ बैठ के खा रही है यहाँ पे चॉकलेट, बंदर जैसी। तो यहाँ पे दादू ने उसको चीज़ दिला रखी है, बस लगी है खाने पे। और अभी चीज़ ख़त्म हो जाएगी ना, अभी तो दोस्ती और की है, अब चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो फिर आ जाएगी वहाँ पे से। इधर अब इधर देख जरा, अरे अभी दादू को अच्छा मान लिया ना, अभी थोड़ी देर में देख, अभी इधर आ जाएगी। उनके गाल खींच रहे हैं तो कह रही गुप्पू गुप्पू, उनके मुंह में दांत नहीं है ना, तो जब वो खाना खाते हैं ना तो उनको खाना खाते समय ऐसे मतलब जिनके दांत नहीं होते अजीब सा होता है ना मुंह। तो अनन्या कहती दादू कितने क्यूटू क्यूटू लग रहे हैं ना, गुप्पू गुप्पू जैसे, फिर जब खाना खाएंगे ना तो उनको देख ही रहेगी कितने क्यूटू क्यूटू लग रहे हैं दादू, गुप्पू गुप्पू। मैंने भी इधर खेल लिया, कभी दादू के साथ बैठ रही है तो अभी मैं भी धूप में बैठ जाती हूँ। तो अभी थोड़ी देर में बनाऊँगी मैं दादू के लिए चाय और फिर हम भी पियेंगे। मैं बैठी थी धूप में और धूप में बैठे बैठे मुझे लग गई प्यास, तो मैंने मंगाया है अनन्या से पानी। तो अनन्या लाई है एक बॉटल पानी। तो पता कैसा लग रहा है आज, जैसे लॉकडाउन में नहीं हुआ था ऐसे ही मतलब सुनसान अजीब जैसा, आज मुझे वैसा ही लग रहा है जैसे लॉकडाउन लगा होगा। सब अपने अपनी छतों में कोई ऐसे ही हैं, अंदर ही लोग तो मतलब लॉकडाउन जैसा ही लग रहा है, सड़क में ज़्यादा लोग हैं भी नहीं। तो हम भी छत में ही है, तो थोड़ा मैं पानी पीती, बहुत ज़्यादा प्यास लग गई धूप में। फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। देखो गोले गोले वाली कैंडी जो मैं खा रही हूँ, तो अभी ये पता नहीं फिर खाने लग गई है चॉकलेट, इसमें गोल गोल दाने होते हैं, पर पता ये इतना टेस्टी होता है ना, मैं तो समझती थी छी ऐसे ही होता होगा, लेकिन बहुत ही टेस्टी होता है। मैंने परसों खाया है ना एक दाना, तो बहुत अच्छा हो रखा था। मैं कहती हूँ अनन्या, हाँ परसों खाया मैंने, तो मैं कहती हूँ इतना क्यों खाते हैं इनको, लेकिन ये बहुत टेस्टी होते हैं। तभी तो अनन्या खाने पर लगी रहती है इनको, अभी उसने चॉकलेट खा रखा, अभी उसको खाने लग गई। ऐसे नहीं कि कुछ रख दूँ बाद में खाऊँ, अब भी खाना उसको सब। तो अनन्या यहाँ पे एक गाना सुनाएगी आपको। अनन्या उज्जो ये अनन्या ने पोटली नीचे गिरा दी,
इसमें मेथी बिन के रखी थी ना सुखाने के लिए, इसने इसने नीचे गिरा दी। अब दादू वापस हो गए कंबल बिछा के। अरण्या मेथी गोदी लग गई। अरे उसको वहीं रख, वहीं रख, चुप, मेरी गोदी में मत आ, उधर रख उसको, वहां पे रखना ना, दादू हल्ला करेंगे, दादू देख रहे हैं वहां से। अरे मत कर मत कर, गिर जाएगी मेथी, इतनी गंदी लड़की की तू, इतनी गंदी क्यों है तू, फिर कर। अरे मार दूंगा, दबाओगी गिर जाता वो जो, मैं तो कह रही सब गिर जाता ना तो मजा आता, फिर इसकी क्या होती, वो जो खोल दिया था। अनन्या लेने इसको पकड़। तो दोस्तों आज मैं अपना ब्लॉग कर रही हूँ अगले दिन से स्टार्ट, क्योंकि कल तो कुछ ऐसा था नहीं, तो आज कर्फ्यू हट गया है तो सब नॉर्मल सा हो गया। तो अभी हम आए हैं छत में, तो अनन्या यहाँ पे खेल रही है बैट बॉल, पहले मुझे बोली थी बॉल दो, पहले मैंने दी, फिर दादू ने, अब खुद ही खेल रही है अकेले अकेले। अन्य गिरेगी, इधर को आजा, तो छत में से दिखता है यहाँ पे जंगल, मतलब पीछे हमारे जंगल है सारा जिम कॉर्बेट। तो परसों ना यहाँ पे पेड़ में बाघ था, तो मतलब बहुत देर से गए थे शाम को, तो मैं बाद में गई तो फिर थोड़ा झाड़े में चले गया था, लेकिन आता ही रहता है, तो कभी ना कभी मैं आपको एक दिन बाघ जरूर दिखाऊंगी। तो अनन्या खेल रही है इधर, चलो अनन्या को देखते हैं कैसे खेलती है अनन्या, चलो अनन्या खेल। उधर गई, ओ दादू को लग गई धूप, दादू छाया में बैठ गए। मेरे कपड़े भी सूख गए हैं, अरे यहाँ पे सारे फोल्ड करके रख दिए हैं टब में, तो मैं इनको नीचे ले जाऊँगी, अभी आधे कपड़े वहाँ पे हैं तो उनको भी रखूँगी टब में, और चलती हूँ नीचे, धूप लग रही है अब छत में। ये नन्हे को तो कहाँ बच्चों को लगती है धूप, तो खेलने पे ही लगी है कब से जो। हाँ उस छेद से सीधे नाली में जाएगी बोल, होने लग गया है मौसम सही, तो फूल भी अच्छे होने लग गए हैं, ये देखो ये हैं सूरजमुखी के, मतलब छोटे छोटे होते हैं जो, और इधर खिल गए गुलाब के फूल, कितने सुंदर हो रहे हैं, दो दिन से धूप आ रही है ना तो फूल खिलने लग गए। दादू मुझे देख रहे हैं अकेले अकेले क्या बोलती रहती है, कभी कभी बोलते हैं तो अकेले अकेले क्या बोलती है, उनको पता नहीं है ना कि मैं ऐसे वीडियो बनाती रहती हूँ। छिछी अरे लगी, कागजों को उड़ाने में लगी है, बॉल से खेल ऐसा हो गया। चींटियों के लिए ये बुर्ज खलीफा है, अनन्या कह रही सही कह रही, कितनी वो ऊंचाई में है ना, छूटेगा तो चीटियों के लिए पूजा खाली पा मिल जाएगी।